नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। देहरादून के RIMC ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय सेना वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज का दिन अहम है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। आज के इस समारोह में ऐसे शहीदों के परिवार को सम्मानित किया गया है जिसके लिए वह अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे देश के लिए जिन्होंने वीरता, शौर्य, शहादत जिन्होंने दी है, उनके परिजनों को, उनके पारिवारिक जनों को, और वो स्वयं जो चक्र विजेता हैं, हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स वाले हैं, उन सबको हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है और उनको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर कहा कि इस बार अगस्त महीने में अब तक औसत से 33% कम बारिश हुई है। अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, बाकी अन्य जगहों पर हल्की और सामान्य बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत और देहरादून में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कि हम बात करें भारी बारिश के लिए, तो उसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है, तो ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा कि ये आगे जो 2-3 दिन है, आज से लेके और 15 तक जो है, तो इनमें एका दुका जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन्स भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है या देहरादून है, तो इसमें भी आज और कल जो है एका दुका जगहों में भारी बारिश इनमें भी मिलने की संभावना है। तो ठीक है, 3 दिन जो एक्टिविटी है थोड़ी है। प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किए गए पोषण अभियान के तहत प्रदेश की महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में गर्भवती महिलाओं व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर वितरित किए। इस अभियान के तहत कुकर वितरण करने के अभियान की शुरुआत आज सोमेश्वर से शुरू हो गई। आगे प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कहीं भी गर्भवती महिला व उसका शिशु कुपोषण का शिकार नहीं हो। इसके लिए पोषण अभियान के तहत खाद्य पदार्थों के साथ ही अब प्रेशर कुकर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को प्रेशर कुकर मिलने के बाद जहां उनका खाना बनाने में समय कम लगेगा, साथ ही उन्हें पोषक तत्व भी मिलेंगे। मैं आज हम अपनी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्रेशर कुकर हम लोग वितरित करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये संदेश है कि जहाँ पर प्रेशर कुकर के माध्यम से वक्त भी कम लगता है और पोषण तत्व तो भी उसमें जो है सेफ रहते हैं, तो वो महिलाओं को पोषकता बनाए रखने के लिए जो साधन की आवश्यकता है उसका वितरण का आज का कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से कई सारी गर्भवती महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं जिनको ये वितरित किया जाएगा। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ पर ना तो ऐसी कोई कुपोषित महिला रहे, ना तो कुपोषित बच्चा पैदा हो, और यदि कोई पैदा होता भी है तो उसके लिए हर प्रकार से पोषण का हर प्रकार का साधन उसको मुहैया हो सके। तो उसी दिशा में एक प्रयास जो है आज हम लोगों ने किया है और आज काफ़ी महिलाएं इससे लाभान्वित होने वाली है। निश्चित रूप से सरकार का एक अभिनव प्रयोग भी है, अभिनव कदम भी है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा गौरा देवी के गांव रैणी में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। कोविड-19 टीम अलकनंदा प्रभाव के सहयोग से रैणी गांव के आसपास पौधा रोपण किया गया। आपको बता दें कि रैणी गांव विगत 7 फरवरी को आई आपदा के कारण भूस्खलन की चपेट में आ गया था। आज 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर चिपको आंदोलन की प्रेरणा गौरा देवी के कर्मभूमि रैणी में इमारती व फलदार पौधों का रोपण किया गया ताकि गांव को भूस्खलन से बचाया जा सके। इस अवसर पर नंदा देवी नेशनल पार्क के DFO नंदा बल्लव शर्मा, पूर्व DFO लक्ष्मण सिंह रावत एवं कोविड-19 टीम के सदस्य के साथ साथ ग्राम सभा रैणी के लगभग 150 लोगों ने प्रतिभाग किया। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर आज रैणी ग्राम सभा में गौरा देवी जी के कर्म भूमि पर, जहां पर 7 फरवरी को एक बहुत बड़ा आपदा फ्लड आ गया था, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पूरी ग्राम सभा और वन विभाग केदारनाथ अलकनंदा वन प्रभाग और नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क के सहयोग से यहां पर वृद्ध वृक्षारोपण, देवदार और खुमानी के
वृक्षों का रोपण किया गया। एक भौगोलिक परिस्थिति को बचाने में जो एक योगदान गौरा देवी जी का रहा था, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते सारे लोगों ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लिया और आने वाले भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित किए जाए। समय साक्षी न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए भी बने रहें समय साक्षी के साथ।